शुरू किया था। हाँ एजुकेशन का तो मेन मेन टॉपिक मैंने बता दिया है, ठीक हो गया आज। ठीक है है। ठीक है। नहीं आपसे क्वेश्चन करेगा कोई, भाई मुझे विदेश कब जाऊंगा एजुकेशन के लिए, तो भी बता नहीं दिए, सर, बाहर मैं पढ़ेगा आपका अंदर। आज मैंने हाँ बनाया सारा चार्ट, कल बोले। से पाटिल जी को तंग करना शुरू करूंगा मैं दिन में। जी। हाँ हाँ जी एग्जाम्पल क्रिएट करिए, चार्ट बनाए, है ना। आज हाँ है जी। बीमारी, सिक्स्थ हाउस, आज है बीमारी, बीमारी बीमारी सिक्स्थ डिसीज। हाउस, डिजीज सिक्स्थ हाउस, आज का टॉपिक है सिक्स्थ मैं आपको हाउस। वही, नहीं आज वही करिए बोलने वाला था, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे बोले तो अभी आप आरपी का मुझे मून उत्तर बनाइए, दिए। मून बनाइए, मून में 6 नंबर सिग्निफाई करेगा, लिख लीजिए आप। अच्छा आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? हाँ नहीं है सर जी, बोलिए नहीं क्या तो बनाऊं सॉफ्ट, मैं। नहीं नहीं, वो उनके कर दिमाग में लेता आया हूँ ना, सर आरपी उनका उसको। आएगा। नहीं जैसे अभी इनके दिमाग में था ना कि यार ये टॉपिक हो सकता है, ठीक है, तो यही आरपी है। जी अभी आप हाँ चार्ट क्रिएट करेंगे यही ना आरपी आरपी है। का, तो हाँ मून सिग्निफाई करेगा छह अष्ट नंबर को, 6 नंबर को सिग्निफाई सिग्निफाई कर करेगा। सकते हो। हाँ जी लेकिन जी वो जी आपका आरपी होगा, आपकी जगह पे होगा, जी ठीक है। हाँ सर। चलिए आगे चलिए बढ़ते तो बीमारी को किस हाउस से देखते हैं ना, हैं। सिक्स हाउस से जी। सिक्स हाउस, तो लिखिए सिक्स हाउस सी एस एल इन दी स्टार लॉट, सिक्स हाउस सी एस एल इन दी स्टार लॉट, सिग्निफाई वन सिक्स, वन कॉमा सिक्स 1.6, इट मींस क्या होगा, वो बीमारी से सफर करेगा, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, इट मीन्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज। सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ठीक है। ध्यान रखिए 6 के साथ एक आना जरूरी है, चाहिए। एक सेल्फ हो गया, एक, सेल्फ। हाँ 6 बीमारी है और 6 तो सेपरेशन भी है ना, हाँ जी हाँ जी 6 तो सेपरेशन है, 6 नौकरी भी है। जब वो एक के साथ आता है तब वो सिग्निफाई करता है कि बीमारी। बीमारी हो सकती है निटल को, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। जब तक एक मतलब लगना, मतलब आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तब तक वो डिजीज को शो नहीं करेगा, ठीक है। लाइफ पार्टनर से या पार्टनर से भी सेपरेशन है, 6, 7 का नेगेटिव नंबर है ना 6, ठीक। तो 6 जब एक के साथ आता है तभी वो सफरिंग फ्रॉम डिजीज कहलाएगा, ठीक है। अब क्योर फ्रॉम द डिजीज, क्योर फ्रॉम द डिजीज, क्योर फ्रॉम द डिजीज, वही रहेगा सिक्स्थ हाउस का सी एस एल इन द स्टार लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का सी एस एल इन द स्टार लॉर्ड सिग्निफाई 5/11, फाइव क्लियर, सफरिंग फ्रॉम इलेवन डिजीज, हाँ 5/11, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम क्योर फ्रॉम डिजीज डिजीज। 1/6, डिजीज हाँ 1/6 है सफरिंग फाइव तो फ्रॉम नेगेशन है डिजीज, सर, इलेवन क्या है। इलेवन जी, इलेवन इलेवन, इच्छा, हाँ जितनी दृढ़ इच्छा है, शक्ति होगी दृढ़ उतना बंदा शक्ति, बीमारी से इच्छा है बाहर आ ना जाएगा। बीमारी से बाहर आने की, आपकी इच्छा होती है ना कि इस बीमारी से मैं जल्दी से मुक्त हो जाऊं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन लिख लीजिए, इफ जी सिक्स्थ सी एस एल इन दी स्टार लॉट, इफ सिक्स्थ सी एस एल इन दी स्टार लॉट सिग्निफाई 1/6/8/12, मान लीजिए ये सारे नंबर वन दे रहे हो, सिक्स एट ट्वेल्व 1/6/8/12 दे दिया, ठीक जी है, तो जी बीमारी 1/6 तो क्या है, सेल्फ हो गया है डिजीज। बीमारी, 1/6 को अंडरलाइन करके लिख दीजिए बीमारी है, ये 1/6 को अंडरलाइन करके लिख दीजिए बीमारी, मतलब क्लाइंट या नेटल क्या हो गया, बीमार हो गया। 8 का मतलब होता है मेडिसिन लेना पड़ेगा उसको, टेकिंग मेडिसिन्स, दवाइयां खानी पड़ेगी उसको, ठीक है। और ट्वेल्व 12 का एक्सपेंसिस मतलब क्या होगा, है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, डाइजेशन एंड एक्सपेंसिस। हाँ एक्सपेंस होगा, अस्पताल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस होना ही होना है ना, तो हॉस्पिटलाइज होगा और एक्सपेंस होगा उसका, क्लियर है। जी
ठीक है, इसमें सर्जरी कौन सा बताता है? अगर मार्स वगैरह हाँ आया तो भी आएंगे बताए। आएंगे 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 ठीक नहीं, है। 8 से सर्जरी भी बोलते थे इसलिए पूछा मैं। हाँ, तो थ्री मेजर कंडीशन है डिजीज के लिए है ना, इफ सिक्स हाउस सी एस एल इन दी स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड देखना है ध्यान रखिएगा है ना, सिक्स सी एस एल इन दी स्टार लॉर्ड का मतलब होता है स्टार लॉर्ड देखना है, और वो स्टार लॉर्ड ये नंबर देगा, सी एस एल की बात नहीं हो रही है ना, इस लाइन का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना जहां जहां मैं लिख रहा हूँ ठीक है। तो 5 और 11 आएगा तो बीमारी से क्योर हो, मान लीजिए आपके पास आता है बोले मैं इस बीमारी से कब ठीक होऊंगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 5 11 कब आ रहा है ठीक है, 5 11 का सिग्निफिकेटर लिखेंगे, सारे प्लैनेट लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कब आ रहा है वो ठीक है, तब बता सकते हैं कि आप भाई ये इस समय आप क्योर कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स एक छोटा सा हाउस, क्वेश्चन है, सीएसएल और स्टार लॉर्ड दोनों 1 एंड 6 देने चाहिए नहीं नहीं या नहीं नहीं अकेला स्टार लॉर्ड बन सकते हैं? देखिए इस लाइन का मीनिंग हमें समझ लीजिए, सिक्स्थ हाउस सी एस एल इन दी स्टार लॉर्ड मतलब सबसे पहले सिक्स्थ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखेंगे, वो एक प्लैनेट आ और गया, कौन फिर दिखा उस प्लैनेट को वो देखेंगे किसका स्टार लॉर्ड कौन स्टार में उसका है, तो स्टार स्टार लॉर्ड है? लॉर्ड वो ठीक नंबर सिग्निफाई करना चाहिए ना कि सी ओके एस एल बस ठीक है, ठीक ठीक है, है, धन्यवाद। ये जो नंबर देंगे वो स्टार लॉर्ड देंगे। मान लीजिए अपन ने देखा कस्पल सब लॉर्ड क्या है, मरकरी आया, मरकरी जो है सैटर्न के नक्षत्र में, तो सैटर्न के नंबर चेक करना क्या सैटर्न 16 दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्लियर है, नहीं ये बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, सिक्स्थ हाउस का जी कस्पल सब लॉर्ड, सर। अब यहां स्टार लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं है ना, सिक्स्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड किस राशि में है, जी ठीक है, इफ यदि, इफ या यदि किस राशि में, पहली कौन सी आती मैरिज है, एरीज मेष ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं कौन कौन सी बॉडी के पार्ट अफेक्टेड हो सके है ना, कुछ कॉमन लिख रहे हैं, बाकी तो आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ठीक है। यदि हमारा फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, मान लीजिए हमने देखा कि सिक्स हाउस सीएसएल का, हाँ सिक्स हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, फिर हमने उसको चार्ट में देखा, चार्ट में देखा तो वो एरीज राशि में बैठा है, तो आपकी डिसीज जो किससे रिलेटेड होगी, हेड ब्रेन नहीं, हेड, इधर सैटर्न लिखेंगे, जरूरत नहीं है ना सैटर्न नहीं नहीं वो तो मैंने आपको जो समझाया, स्टार हाँ लॉर्ड। हाँ सी एस ओके। हाँ तो सी हेड, एस एल स्टार लॉर्ड नहीं है ना, हाँ सी एस सी एस एल देखना है, सब हेड लॉर्ड देखना है, सब हाँ जी, लॉर्ड का नो प्लैनेट, नो नो हाँ स्टार लॉर्ड। हाँ यहाँ स्टार लॉर्ड नहीं देखना है ठीक है। यदि मान लीजिए वो एरीज में है तो कहाँ किस बॉडी पार्ट को अफेक्टेड करेगा वो, हेड ब्रेन स्कल ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है सुना होगा ना, मेजे के अंदर होता है कुछ, इसको बोले दिमाग सेरिब्रम दिमाग में होता है ना, छोटा सा पीस होता है, ये ब्रेन के हाँ अंदर जो पूरे स्नायु तंत्र को एक्टिवेट करता एक्टिवेट करता है ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जी। टॉरस, अब आपका सी एस एल कहाँ चला गया, टॉरस टॉरस में में, तो ई एन टी ईयर नोज टंग, थ्रोट थ्रोट, थ्रोट भी आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट जेमिनी, यहां आएगी आपकी आंख दांत ईयर आईज टीथ नेक आर्म्स एंड शोल्डर, क्लियर है, टॉरस आईज में भी टीथ ENT आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, आईज ईयर इसमें भी आ ईयर रहा है उसमें भी आ ईयर, रहा उसमें ईयर है उसमें कान, ईयर आ उसमें रहा है, ईयर नोज थ्रोट करेक्ट, सॉरी है ना, ईयर नोज थ्रोट और जैमिनी सही। में आईज टीथ नेक आर्म्स एंड शोल्डर, कैंसर में आएगा लंग्स एंड चेस्ट, कैंसर लंग्स चेस्ट, और लियो में हार्ट लंग्स चेस्ट, चेस्ट लियो जी सिंह राशि हार्ट ठीक है, वर्गो मतलब अगर अगर 6th हाउस का कसफल सब लॉर्ड
लियो में बैठा तो लियो उसको राशि में हार्ट चला प्रॉब्लम, गया हार्ट तो अटैक हार्ट हो से सकता है। संबंधित प्रॉब्लम हो सकती। मतलब अगर वहां पे एक सिक्स के साथ एट भी आ गया तो समझ लो वो बंदा हॉस्पिटल में जाएगा ही जाएगा, एट आउट नहीं वाला। अभी आगे पढ़ेंगे उसका, ठीक ओके, है। वो तो स्टार लॉर्ड बताएगा ना, सिग्निफाई करेगा वो एक जो सिक्स, नंबर हाँ उसके सिग्निफाई अकॉर्डिंग। हाँ वो करेगा कौन ये तो सा हम देख रहे इसमें हैं वो कि डिजीज डिजीज। कहाँ होगी, हाँ शरीर के किस ठीक है, हिस्से ये में सर डिजीज बताएगा होगी। हाँ तो हार्ट टाइप ऑफ अफेक्टेड डिजीज, ये होगा। सर बताएगा। लियो में हार्ट हो गया। वर्गो में लिख लिए स्टमक, वर्गो कन्या राशि, स्टमक, किडनी, लीवर, कन्या राशि बहुत खतरनाक है, ठीक, जी, ये स्टमक, पूरा लेके किडनी, जा रहे हैं लीवर, किडनी लीवर। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आते, स्प्ली, जी ठीक है, जी हाँ जी, स्प्ली 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 क्या होती ना, होता जॉन्डिस होती ना, हेपेटाइटिस है? बी की बीमारी, ये सब स्प्ली से इंटरेस्टिंग। रिलेटेड होती। ओके जी, नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा तुला राशि, ये क्या करती है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन, ठीक है, महिलाओं में यूट्रस, ओबरी, यूट्रस एंड ओबरी, पुरुषों में जी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होती ना पुरुषों जी में, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, ये देता है यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम देता है। हाँ यूपीआई यूटीआई कहते हैं जिसको, हाँ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं ना। नेक्स्ट है सेजिटेरियस, हिप्स एंड थाइस, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, दर्द देते हैं, बहुत मेजर होगा तो ब्रेक होता है। हिप्स हिप्स एंड में थाइस, हिप्स हिप्स एंड थाइस, जी, नेक्स्ट कैप्रिकॉन, हिप्स के नीचे क्या होता है, हिप्स और थाइस के नीचे का हिस्सा, लेग, नी काल्फ नीज, मसल, लेग एंड लेग, काल्फ, लेग्स, लेग्स, काल्फ काफ मसल, मसल, पिंडलियां बोलते हैं ना नी भी जिसको। आएगा, नी किसमें आएगा, हाँ नीज, नी नीज, नी मतलब ये उसके नीचे का हिस्सा है ना, यही तो आएगा यहाँ पे, ठीक नीज है। आएगा ना इसमें। हाँ हिप्स एंड थाइस के नीचे का हिस्सा। हाँ फिर कौन सी राशि आती है, एक्यूरियस, एक मिनट जी, एक्यूरियस में आते हैं एंकल्स, एंकल्स किसको कहते हैं, नीचे रहता ना ये, फीट के ऊपर, फीट जॉइंट, घुटना, हाथ में भी होता है, ठीक घुटना, नहीं है। घुटना तो नहीं एंकल्स, यूज हो रहा एंकल्स हाथ और पैर दोनों के, एड़ी कहते हैं यहाँ ना, पे एड़ी, अपना जॉइंट, यहाँ पे हाथ का जॉइंट होता है बाजू के साथ। जी हाँ, एड़ी एड़ी एंकल्स, जी और हाथ के और पैर के दोनों, जहां ये जॉइंट होता है ना। जी फिर है पाइसेस, वही जो पैर है आपका, पैर, पैर की उंगली, टोज, ये सारी चीजें अफेक्टेड होती हैं जब सीएसएल इन राशियों में बैठता है। देखिए राशि देखना बहुत आवश्यक है, राशियां बहुत सारी चीजें बताती हैं, ठीक है। नॉर्मली पैर की वैदिक, उंगली, हाँ पैर की पैर की उंगली उंगलियां, हाँ सब और इसी में आ टोज। जाएंगी, जी, ठीक है, ये सारी चीजें यही बताता है। तो ये कौन बताएगा, सीएसएल बताएगा, ध्यान रखना, कौन बताएगा, सीएसएल बताएगा, कैसे बताएगा कि वो किस सीएसएल राशि में किस बैठा राशि में है? बैठा है, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखिए नेक्स्ट, यदि, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यदि, इफ जी पाटिल जी, हाँ जी, आवाज हेलो, गया था, हाँ हमेशा हाँ नेक्स्ट पॉइंट चला। लिखिए, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ
इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाई वन एंड सिक्स तो पक्का हो गया बीमार होना है ना। ठीक है तो अरे आवाज अजय अमित जी आ हाँ रहे वो हैं। हाँ नेट कुछ गड़बड़ कर रहा था। क्या लिखा आपने? आपके पास थोड़ा गड़बड़। हाँ स्टार लॉर्ड इफ एफपीएल सिग्निफाई वन सिग्निफाइज एंड वन एंड सिक्स सिक्स वन एंड सिक्स तो ये कंफर्म हो गया सिक्स बीमार होना ही होना व्यक्ति को क्योंकि स्टार लॉर्ड कह रहा है। हाँ ठीक है जी यदि ये मूवेबल साइन में है, मूवेबल साइन में कौन स्टार लॉर्ड? अभी अपन ने मूवेबल सीएसएल साइन देखा में था। है। मूवेबल हाँ साइन में है तब मूवेबल हो गए 4 8 12 3 हाँ? पहला कौन सा होता है? मूवेबल थ्री सिक्स मूवेबल नाइन फिक्स ट्वेल्व एंड कॉमन। मूवेबल 3 6 9 12 मूवेबल फिक्स कॉमन तीन पढ़े ना अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है तो क्या होगा? थ्री सिक्स नाइन टोल 2 से 3 घंटे तक बीमारी हो सकती है, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बीमारी होगी। अभी जी मूवेबल राशियां कौन सी थी? 3 7 ऐसा लिख लीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तीन हिस्से में बांट दीजिए सारी आ जाएंगी। उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 फिर 4 5 6। ये हो गई अपनी पढ़ा था ना थ्री चार चार। वन हाँ टू थ्री फोर। तीन हिस्से में बांट चलो दीजिए मैं ना। देखता हूँ। हाँ पहले मूवेबल फिक्स्ड देन है फिक्स देन कॉम। हाँ लिख सर जी लिए मूवेबल तो 3 6 9 12 नहीं आएगा ना, द्विराशि आएगा 3 6 9 12। ये तो वही तो टू मैं हाँ वही तो मैं हाँ गलत बोला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं तीनों को एक के नीचे एक लिख लिया वन हाँ टू ने थ्री मैं फोर फाइव मूवेबल सिक्स बोल रहा हूँ हाँ लेकिन द्विराशि का दिमाग में जा हाँ रहा है। हाँ क्या लिखा अपन ने? 2 5 8 मूवेबल में है यदि स्टार लॉर्ड तो और क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दो से बीमारी तीन घंटे होती है। में हाँ शॉर्ट हाँ ड्यूरेशन के लिए बीमारी होगी। फिक्स साइन में है तो क्या होता है? 1 मिनट बीजी फिक्स जी साइन में आ गया जड़ राशि में फिक्स आ गया तो क्या हो सकता है? साइन ऑपरेशन की संभावना बन सकती है। ऑपरेशन की संभावना बन सकती है। ये फिक्स साइन में हो जी क्या होगा? ऑपरेशन की संभावना बन सकती है। ऑपरेशन की संभावना बन सकती है। ऑपरेशन कब होगा वो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है तीसरा कौन सा? कॉमन राशि। जी कॉमन में होगा तो क्या होगा? हाँ बारह विराशी में घंटे हाँ 12 घंटे 12 घंटे बीमारी का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लगभग 12 घंटे है ना 12 13 घंटे। 1 मिनट सिग्निफाइज वन एंड सिक्स। हाँ ड्यूरेशन बढ़ यदि जाता ये कॉमन टाइम में है तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है। शुड बी 12 शुड आवर और बी मोर देन 12 आवर। 12 आवर मोर देन 12 आवर। जी ठीक है अब वहां नोट लिख सही लीजिए मार्स सन। मार्स और सन यदि एर्थ हाउस को सिग्निफाई करें तब ऑपरेशन की संभावना हो सकती है। फिक्सिड तो हो साथ ही साथ क्या हो? मार्स एंड साइन मार्स एंड सिग्निफाइड सन मान लीजिए उस समय मार्स और सन सिग्निफाई कर रहे हैं किसको? एर्थ हाउस को। वो ऑपरेशन की संभावनाओं को प्रबल कर देंगे। कर रहे तो ऑपरेशन हाँ
फिक्सेड साइन में आ गया, मार्स आ गया, सन आ गया, और वो एर्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ चाहे वो जाएगी? फिक्स साइन में कॉमन, नहीं, फिक्स्ड है, फिक्स्ड में आना चाहिए, ऑपरेशन की कंडीशन फिक्स्ड है ना। जी, फिक्स साइन में ऑपरेशन होगा। हाँ, पहले तो अपन ने देखा कि स्टार लॉर्ड किस में आ गया, फिक्स साइन में आ गया, तो हमको लगा कि ऑपरेशन की संभावना बढ़ गई। अब उसको प्रॉमिस कैसे चेक कर लेंगे कि कहीं सन या मार्स एर्थ हाउस सिग्निफाई तो नहीं कर रहा है? अभी आपने कहा था ना एर्थ हाउस पाटिल जी, है ना, ये चेक कर। जैसे मान जी, लीजिए कोई बोलता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सन क्या सिग्निफाई करना चाहिए? तो तेज 6 नंबर, छह नौकरी तो नंबर 6 है ना, नौकरी 6 नंबर की है जी। नौकरी 6 है, हमें चाहिए सरकारी, तो सन यदि सिग्निफाई करेगा 6, ठीक है, मान लीजिए हम कोई ठेका ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और हमको सरकारी चेक करना है, तो वहां पे सन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी। जब तक सन इन्वॉल्व नहीं होगा, सरकारी संस्था या सरकारी उपक्रम को हम वहां जोड़ नहीं सकते। क्लियर है, समझ में आया ना? ऑपरेशन की कंडीशन कहाँ बनती है? जब हमारा स्टार लॉट कहाँ पहुंच जाता है? फिक्स्ड साइन में पहुंच जाता है, और साथ ही साथ हमने चेक कर लिया कि सन या मार्स उस समय क्या कर रहा है, एर्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। एयर था क्लियर है? नेक्स्ट, जी। अब मान लीजिए यही किस में आ जाए, फायरी में आ जाए, अर्थी में आ जाए, एयरी में आ जाए, वाटर में आ जाए, तब क्या एजम्पशन करना है कि बीमारी का सोर्स कहां से आएगा? समझ गए, लिख लीजिए। स्टार लॉर्ड यदि किस में आ जाए, फायर में आ जाए, अर्थ में आ जाए, एयर में आ जाए, या वाटर साइन में आ जाए, कैटेगरी, तो वहां से सोर्स बनेगा उसका, डिजीज का, डिजीज का वो सोर्स बनेगा। डिफरेंशियल जैसे मान लीजिए एयर में आ गया, ठीक है, इज तो ट्रांजिट होने वाली बीमारियां हो सकती हैं आपको, और सब डिसीज हाँ जी मिलेगा सर बोलिए। जी अगर वो सर। किस में बोलिए आ गया, एरी में आ गया एरी में आ गई तो हवा से फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं, वाटरी साइन में आ गया तो पानी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, समझ रहे हैं? तो एक लाइन लिख लीजिए, ये सोर्स बताते हैं, जी। ठीक है। जैसे अभी अपन ने देखा ना सी एस एल किस राशि में है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के किस पार्ट में डिजीज हो सकती है। क्लियर है? वैसे ही स्टार लॉर्ड हमने देखा मूवेबल, फिक्स और कॉमन में आ रहा है, तो बीमारी का ड्यूरेशन पता चल जा रहा है हमको, जगह ना ये बीमारी कब तक रहेगी, हमको ज्यादा देर तो नहीं रहेगी, तो ड्यूरेशन। अगर अर्थ में आ गया हाँ, तो अर्थ रिलेटेड चीजें कुछ भी हो सकती हैं। अर्थ रिलेटेड क्या हो सकती है बताइए? हाँ, फंगस लग गई उसको जी। फंगल डिजीज हो गई कोई, है कि नहीं? वो तो और जब बीमारी बताएगा तो अगर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे ये और प्रॉब्लम अगर होती। वो उसमें आ गया फायरी में, एक्सीडेंट फायरी में आगे तो क्या होगा? है क्या फायरी में? मान लीजिए बोले जल गए, जलने से हमारी चमड़ी जल गई, उससे डिजीज हो गई, स्किन डिजीज हो गई, मतलब पेट सोर्स में जलन बनेगा, पैदा हो माध्यम गया, बनेगा। हाँ, पेट में जलन हो रही, एक्सीडेंट हो जठर गया था अग्नि सर बढ़ जी, जाएगी, जठर अग्नि बढ़ जाएगी। हाँ, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट डिफरेंट चीज, वो बीमारी डिफरेंट नहीं है। हाँ, वो बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट बीमारी ठीक। नहीं है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अब हमको ये देखना है कि जब सिक्स हाउस का सी एस एल, जब मुझे एक सिक्स चार मिनट हाउस, बचा है। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, हो जाएगा ये। सिक्स्थ सिक्स हाउस सी एस एल सी डैश एस डैश एल प्लैनेट, डैश डैश प्लैनेट, फर्स्ट नंबर लिखिए सन। सन क्या देता है? इरिटेशन देता है, अल्सर देता है, इरिटेशन देगा, अल्सर देगा, लालपन देगा, लाल धब्बे देगा, कहीं को देगा ना चेहरे पे लालपन हो जाता है, ठीक जी है। मून नदी आ जाता है तो वाटर हाँ रिलेटेड जी होगा, कहीं को देगा ना, सुना होगा लंग्स में पानी भर गया, जी ठीक है, तो आप उसको कहां से आइडेंटिफाई करेंगे? मून से, मतलब वाटर रिलेटेड जो भी होगा वो मून हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मार्स, मार्स फोड़ा देता है, फोड़ा, ब्लड, ब्लड थोड़ा की प्रॉब्लम देगा, हाँ, फोड़ा,
ब्लड प्रॉब्लम एग्जैक्टली, देगा, ठीक है। ब्लड कैंसर भी मर्क्यूरी, देगा। हाँ मर्क्यूरी, नव्स, नसों से संबंधित, नर्स, नसों से संबंधित है ना। जुपिटर थायराइड एंड ओबेसिटी, जुपिटर थायराइड और ओबेसिटी, वीनस डायबिटीज, वीनस डायबिटीज, सैटन जो होता है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा? सेक्टर स्किन रिलेटेड या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, जैसे स्किन पे काले धब्बे पड़ जाना, ठीक है। डायबिटीज में भी आप देखना कभी कभी काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। राहु केतु की तो राशि होती नहीं है ना, तो वो देखना पड़ेगा किसके स्टार लॉर्ड में, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? जी ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना, ये बेसिक है, क्योंकि मेडिकल जैसे वास्तु है ना, वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक अपने आप में ब्रांच बन चुकी है, जी ठीक है। जो कितना आपको ज्यादा आप नक्षत्र में जी एंटर हो रहे हैं, कितना ज्यादा प्लैनेट में एंटर हो रहे हैं, कितने ज्यादा प्लैनेट के सिग्निफिकेटर आपको पता है, कितना ज्यादा उस प्लैनेट को आप किससे जोड़ पा रहे हैं, बॉडी के पार्ट से जोड़ पा रहे हैं, कितना उसको आप कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन बनाना है तो कैसे बनाना है, तो वो एक पूरा टॉपिक है, ये अपन ने उसका एक ओवरव्यू पढ़ा है, ये हमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक लेते हुए अपन ने उसको पढ़ा है कि कोई आ गया, किसी ने अचानक डिजीज पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, ठीक है। मान लीजिए कोई आया आपके पास, बोला कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैलाश की यात्रा, यात्रा मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, क्या देखेंगे आप? सिक्स्थ सिक्स हाउस का हाउस का कस्बा क्लियर सवार, साल हाँ ये देखेंगे। प्रश्न उसके दिमाग में आया है, तो मून 6 नंबर सिग्निफाई करेगा ही करेगा, और देखना है कि उसका सिक्स हाउस का कस्बा सवार 1/6 तो नहीं शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर? फिर आरपी से चेक कर लेंगे कि अगर उस ड्यूरेशन में वो बीमार पड़ने की संभावना तो नहीं, यदि उसका लगना कहाँ मूव कर रहा होगा, सिक्स हाउस में मूव कर रहा होगा तो जरूर बीमार हो जाएगा, लगना की मूवमेंट बताया ना मैंने, है जी, ना। यदि लग्न उसका मूव कर रहा होगा सिक्स हाउस की तरफ, बीमारी की तरफ, तो वो 100% बीमार हो जाएगा। अब ज्यादा देर बीमार होगा कि एडमिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो कौन बताएगा? स्टार लॉर्ड बताएगा। कैसे बताएगा? कौन सी राशि कौन मूवेबल, सी गलत साइन में मूवेबल है, कॉमन मूवेबल फिक्स फिक्स, की हाँ अपॉन है ना। और मान लीजिए केवल सिक्स आप शो कर रहा फिक्स। है, तो वो बीमारी अंदर होगी बाहर नहीं होगी, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं हुआ ना 1 नंबर, 1 और 6 इकट्ठा आएगी तो ही बीमारी बीमारी कहलाएगी, ठीक है। चलिए, 6 के लिए बीमारी अंदर होगी, हाँ अकेले केवल सिक्स के सिक्स लिए। आ रहा है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, बीमारी होगी अंदर होगी, बाहर नहीं निकलेगी, समझ में नहीं आएगा, फील नहीं करोगे बीमार है, होता ना कभी कभी ऐसा, आपकी जी इन्वॉल्वमेंट होगी तभी आपको फील होगा। अच्छा, ये प्रश्न जो पूछा सही है, वो इसके लिए मून किस मून में मून मून चेक करेंगे मून सर जी? मून मून में क्या चेक मून, करें? मून सिग्नल क्योंकि प्रश्न मन में आता है ना, दिमाग में।